Hello students, welcome to Golden Valley School. I am Shruti Kashyap and I am here to teach you history subject. And it's chapter 1 is Rise of Nationalism in Europe. Now, I am going to teach you this. Don't worry, I explain it in Hindi or English, both. According to your NCERT book. It's ये हिस्ट्री चैप्टर वन का सबसे पहला पेज है और इस चैप्टर में आपको सबसे पहले एक बड़ा सा पोस्टर का की तरह फिगर दिखेगा इस फिगर में ये फिगर फ्रेडरिक सौर ने बनाया था 1848 में इस फिगर में फ्रेडरिक सियो ने वर्ल्ड के हर एक कंट्री के लोगों को दिखाने की कोशिश की है इसमें मेन वोमेन और बच्चे हायर क्लास लोअर क्लास हर क्लास के लोग अवेलेबल हैं ये लॉन्ग ट्रेन बनाकर स्टेचू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए जा रहे हैं अब ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए क्यों जा रहे हैं ये तो अब आगे हम आपको स्टेचू ऑफ लिबर्टी को एक फीमल फिगर के रूप में दिखाया गया है इनके राइट हैंड में ज्ञान का मसाल है और इनके लेफ्ट हैंड में मनुष्य के अधिकारों का चार्ट है इस फिगर के बारे में हम आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इस फिगर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ओके okay? आप इस फिगर को जूम कर कर देखोगे तो आपको सामने में ग्राउंड पर दिखेगा क्राउन कागज़ वगैरह ये सब मोनार्की का ये सब टूट फूट कर रखा हुआ है मतलब ये दिखाने की कोशिश हुआ है कि अब मोनार्की सिस्टम हट चुका है अब यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में मोनार्की नहीं चलेगा मोनार्की मीन्स होता है राजाओं का शासन ताना डेमोक्रेसी से पहले हर एक कंट्री में राजाओं का शासन चलता था मोनार्की कंट्री था सब फ्रेडरिक सोरियो के नज़रिए के अनुसार इस फिगर में अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोगों को दिखाया गया है अब आप इसमें कैसे पता करोगे कि इसमें कैसे दिखेगा ये इस देश का है ये दूसरे देश का है इसके झंडे इसके फ्लैग से और इसके नेशनल कॉस्ट्यूम के अनुसार जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुका है वो यूएस और स्विट्जरलैंड का है 1848 में यूएस और स्विट्जरलैंड एक नेशन स्टेट था नेशन स्टेट मींस राष्ट्र राज्य यूएस और स्विट्जरलैंड को फॉलो करते हुए उसके पीछे जर्मनी सॉरी फ्रांस है जो कि अभी अभी स्टैचू तक पहुंचा है उसका ट्राई कलर का फ्लैग है फ्रांस को फॉलो करते हुए जर्मनी के पीपल्स पीछे पीछे आ रहे हैं जिसके फ्लैग का कलर है ब्लैक रेड और गोल्ड ओके इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब शौर्य ने एस एम को बनाया था उस वक्त जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन में तब्दील नहीं हुआ था मतलब उस वक्त जर्मनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था जर्मनी को फॉलो करते हुए ऑस्ट्रिया लोम्बाडी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी और रशिया के लोग जर्मनी को फॉलो कर रहे हैं पीछे फ्रॉम हेवन एवफ़ सेंट एंजल्स गेज अपॉन दिस सीन आप ऊपर देखोगे स्काई में तो ऊपर आपको सेंट दिखेंगे साधु संत पड़ी दिखेगी उस सीन में दे हैव बीन यूज बाई दी आर्टिस्ट टू सिम्बोलाइज फ्रिटैनिटी एमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इस फिगर में भगवान पड़ी ये सबको दिखाया गया है क्यों क्योंकि इसमें भाईचारा को दर्शाया गया है जैसे कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई उसी तरह इस फिगर में सभी गॉड एंजल साधु संत ये सब सभी को एक साथ दिखाया गया है कि सभी में भाईचारा है अब इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन तो अब हम आपको इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जैसा कि आप लोग पहले ही नाइन्थ क्लास में पढ़े हो गए फ़्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 नाइन में वहाँ के सिटीजन्स फ्रेंच के सिटीजन्स चाहते थे डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों क्योंकि वो तानाशाही से परेशान हो चुके थे वहाँ पर 1789 एटी नाइन में वो फ्रांस जो है एक राजा के शासन के अंतर्गत था ठीक है तो वहाँ के जो नागरिक थे वो परेशान हो चुके थे वहाँ के राजा से वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे फ्रांस में लोगों को तीन स्टेट में डिवाइड किया गया था फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में अपर लोग क्लास के लोग रहते थे और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल रहते थे कॉमन पीपल का डिमांड था कि उन्हें भी सारे फील्ड में इक्वल राइट right मिले लॉ के अंतर, अंतर्गत इक्वल सभी को राइट मिले ओके फ्रेंच, फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद बहुत सारा मेजर चेंजेस हुआ फ्रांस में सबसे पहला चेंज हुआ जो मोनार्की कंट्री था वो सोवर्निटी में बदल गया सोवर्निटी मतलब वहां के सिटीजन आजा आजाद हो गए अब वो आजाद थे हर चीज़ से वहाँ का फ्लैग चेंज हो गया फ्रांस का फ्लैग चेंज हो गया ट्राई कलर का फ्लैग स्टैब्लिश हुआ न्यू फ्लैग स्टैब्लिश हुआ स्टेट जनरल इलेक्ट होने लगे सिटीजन के द्वारा और स्टेट जनरल का नाम बदल कर नेशनल असेंबली रखा गया न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया गया ओट्स लिया गया और जो भी आजाद शहीद हुए थे उनका गुणगान होने लगा उन उन लोगों का स्टैचू बना दिया गया उन लोगों का रिस्पेक्ट किया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत सारे स्टेट्स को जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट्स था सभी को इक्वल राइट्स दिया गया कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया गया और फ्रांस का कॉमन लैंग्वेज बन गया फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज हर जगह ने उस राष्ट्र में यूज़ होने लगा यही कुछ चेंजेस फ्रांस रिवॉल्यूशन में के बाद हुआ और सभी बहुत खुश थे फ्रांस में पावर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ट्रांसफ़र किया गया और पावर हर एक लोगों में डिवाइड किया गया मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव में जो भी वर्क करते थे जैसे फिनेंस मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर ये लोग में पावर को डिवाइड किया गया एंड एक्सेट्रा अब जब फ्रांस अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक जब बना लिया था तो फ्रांस सोचा कि अब हम पूरे यूरोप को ये तानाशाही से मुक्त करेंगे और इसीलिए इस न्यूज़ को सुनने के बाद फ्रांस में जब ये न्यूज़ चल रहा था तो ये न्यूज़ यूरोप के अलग अलग कंट्री अलग अलग सिटीज़ में ये न्यूज़ फैला तो यूरोप के स्टूडेंट्स एडुकेट मिडिल क्लास एक जैकोबिन क्लब सेट कर लिए उससे जैकोबिन क्लब के इस्टेब्लिश होने के बाद फ्रेंच आर्मीज़ के लिए रास्ता खुल गया था और वो होलैंड बेल्जियम स्विट्ज़रलैंड इटली 1790 में गए और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को के आइडिया को फैलाना शुरू कर दिए फ्रांस में सभी सिटीजन बहुत खुश थे सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी 1799 में नेपोलियन का एंट्री हुआ और फिर से सेवेंटी नेपोलियन के एंट्री होने के साथ ही वो फ्रांस को मोनार्की मोनार्की कंट्री में बदल दिया अब वहाँ के सिटीजन्स का क्या फ़ायदा हुआ वहाँ के रिवोलूशनरी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ पहले भी वहाँ पे मोनार्की था और अभी भी नेपोलियन के आने के बाद मोनार्की बन गया अब ये नेपोलियन कौन था क्या आप लोग जानते हो नेपोलियन कौन था नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति तथा शासक था उसने क्रांति के दिन में फ्रांस का मान कभी काफ़ी ऊंचा कर दिया था एक समय तो ऐसा आया था कि पूरा यूरोप देश उसके नाम से कांपता था मनुष्य होने के नाते उसकी शक्तियां सीमित थी इसलिए अंत में उसे यूरोप के संगठित शक्ति में आगे झुकना पड़ा कैसे झुकना पड़ा 1850 में वाटरलू हुआ था की लड़ाई हुई जिसमें नेपोलियन जो था वो हार गया और उसको एक आइलैंड पे भेज दिया गया सेंट हेलना के नाम से वो आइलैंड वो आइलैंड था जिसमें 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गया इसके बीच 1799 और 1815 के बीच में वो एक सिविलियन कोड सिविलियन कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है इस सिविलियन कोड के अनुसार इसमें बहुत सारा राइट्स था जैसे राइट टू सिटीजनशिप लोगों को नागरिकता का अधिकार मिला इक्वलिटी बिफोर लॉ लॉ के अंतर्गत सभी को इक्वल राइट्स दिया गया कोई नीचा अपर लोअर कोई नहीं था इसमें राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया मतलब कोई भी किसी से भी छीन कर को, मतलब कोई बिना मतलब का कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश सब टर्म बंधुआ मजदूरी शॉफ्ट मीन्स होता है बंधुआ मजदूरी उसे हटा दिया गया गिल रिस्ट्रिक्शन वो रिमूव्ड व्यापार टाउन में जो ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसे रिमूव किया गया और अब सभी ट्रेड करने के लिए फ्री थे ये तो नेपोलियन का बहुत सारा सि... अच्छा ही था लेकिन नेपोलियन का बहुत सारा ड्रॉबैक भी था जो हम आगे देखेंगे ये आप लिख लो सम ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन आर गिवन बिलो फर्स्ट पॉइंट increase taxation second censorship third first conscription into the french armies required to conquer the rest of europe अब हम आपको ये समझा देते हैं पहला है increase taxation इसका मतलब हुआ नेपोलियन टैक्स इनक्रीस कर दिया था क्योंकि वो पूरे यूरोप को कब्जा करना चाहता था जिसके कारण वो टैक्स इंक्रीज़ किया क्योंकि वो उसके पास उतना मनी तो था नहीं जिससे वो पूरे यूरोप पे रूल कर सके सेकंड है सेंसरशिप सेंसरशिप मींस वो ऐसा लागू कर दिया था कि नेपोलियन के बारे में कहीं भी मीडिया में न्यूज़पेपर में कोई भी कम्युनिकेशन स्किल के हेल्प स्किल के हेल्प से वो नेपोलियन के बारे में कहीं भी कुछ नहीं छापेगा ओके थर्ड है थर्ड पॉइंट है वो ज़बरदस्ती आर्मी के बनाने के लिए वो ज़बरदस्ती लोगों को ले आता था कि नहीं तुम चलो चलो तुमको आर्मी में जाना ही होगा लड़ने के लिए फ़ौजी बनाने के लिए शामिल कर देता था ये कुछ ड्रॉबैक था नेपोलियन का और यहीं पे फर्स्ट टॉपिक समाप्त होता है इस टॉपिक में हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की सिस्टम हटा और सभी लोग सिटीजन आज़ाद हुए सभी आप अप, अपना काम फ्री, फ्रीली कर सकते थे इतना डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद मोनार्की से डेमोक्रेटिक में कन्वर्ट होने के बाद भी मोनार्की से डेमोक्रेटिक हुआ फिर डेमोक्रेटिक से मोनार्की हो गया रिवॉल्यूशनरीज को फ़ायदा कुछ नहीं हुआ और यहीं पे ये स्टोरी नेपोलियन के साथ समाप्त हुआ आपका अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे थैंक यू